सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अपनों को हमेशा अपनों का एहसास दिलाओ, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बिना जीना सिखा देगा। मनुष्य का सबसे अच्छा साथी स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ दिया, उस दिन से मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। जिंदगी में कभी किसी बुरे दिन से सामना हो जाए तो इतना हौसला जरूर रखना, दिन बुरा था जिंदगी नहीं। अच्छे स्वास्थ्य का मतलब शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से मजबूती है। आज का पंचांग 5 दिसंबर 2023 दिन मंगलवार, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रात्रि 12:36 तक रहेगी। इसके उपरांत नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र रात्रि 3:36 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:56 से 4:16 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:40 से 12:36 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। आप सभी को काल भैरव जयंती की शुभकामनाएं। वृश्चिक राशि 5 दिसंबर 2023 दिन मंगलवार, सेहत नरम रह सकती है, कुछ घबराहट भी महसूस कर रहे हैं। अचानक आपका ध्यान धर्म में हो सकता है, शायद आप नए विश्वास को खोज रहे हैं। आप अपने समाज में एक सम्मानजनक स्थिति का आनंद लेंगे। अपने लक्ष्य को परिभाषित करना आपके लाभ के लिए काम करेगा। अपने परिवार और दोस्तों से अपने विचारों को जरूर बांटें। जोखिम लेने में झिझक न करें और याद रखें कि जब तक आपकी नज़र मैदान पर नहीं रहेगी तब तक आप नई ऊंचाइयों की खोज नहीं कर सकते। कोई पैतृक संपत्ति संबंधित मामला चल रहा है तो उसे सुलझाने में किसी की मदद भी मिल जाएगी। इस समय भाग्य और कर्म दोनों आपके पक्ष में है। कुछ नवीन कार्यों की भी योजनाएं बनेगी। कुछ खास लोगों से मुलाकात आपके लिए फायदेमंद रहेगी। तय किए गए लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। संयम बनाए रखना होगा लोगों के सामने अपने विचार रखते समय। उनसे मिल रहे सुझावों पर भी ध्यान दें। पैसों से संबंधित निर्णय लेते समय रिस्क किस हद तक है ये समझना जरूरी है। करियर में बदलाव करने का मौका प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। सावधानियां। पारिवारिक व्यवस्था को लेकर कुछ परेशानी आएगी, परंतु शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान करें। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में कटुता न आने दे। किसी भी तरह की समस्याओं को गुस्से और आवेश की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं। बात करते हैं लव लाइफ की। व्यवस्था में अपने प्रिय को ना भूलें, क्योंकि यह समय रोमांस के लिए उपयुक्त है और आप अपने प्यार के साथ अंतरंगता व जुड़ाव महसूस करेंगे। आज आपको प्यार के मौके अपनी कार्यस्थल, पार्टी या किसी अन्य अवसर के माध्यम से मिल सकती है। अपने कुल रवैये और आकर्षण का प्रयोग करके अपने साथी को हमेशा अपने करीब रखें। अपने पार्टनर से भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा, इसीलिए इस सुनहरे अवसर को अपने हाथ से जाने न दें। बात करते हैं करियर की। अगर आप करियर या रोजगार में परिवर्तन करना चाहते हैं तो अभी थोड़ा रुक जाएं, क्योंकि भविष्य में आपको एक सुनहरा मौका मिलेगा। धन को लेकर सावधान रहें, नुकसान या चोरी हो सकती है। आपका बिजनेस आज पूरी तरह से संतोषजनक है। काम के प्रति अपने लक्ष्यों को फिर से निर्धारित करें, इससे आपको फायदा होगा। पुराने विचार आपको निराश नहीं करेंगे। प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए भी यह समय अच्छा है। जोखिम लेने से पीछे न हटें, क्योंकि जब तक आप जमीन पर रहेंगे तब तक ऊंचाइयां नहीं छू सकती। बात करते हैं सेहत की। अव्यवस्थित खान पान की वजह से, गैस और बदहजमी की वजह से पेट में दर्द की शिकायत रहेगी। आयुर्वेदिक घरेलू चीजों का सेवन आपको स्वस्थ रखेगा। अपचय की समस्या बढ़ने से तकलीफ भी बढ़ सकती है, आपकी ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करें, शुभ रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ
आगे बढ़ती रहीं। आपका दिन शुभ हो।